हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा इजी नीटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। स्वेटर, कार्डिगन, लेडी जैकेट, जेंट्स स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट 2 रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं 2 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इवन नंबर पे फंदा लेना है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है। इसमें मैंने 2 मल्टीपल करके 16 फंदा डाला है। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट फंदा को छोड़कर इस सेकेंड फंदा को उल्टा बुनना है, इस तरह से। फिर यार्न ओवर, फिर ये फर्स्ट फंदा को उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों में से 3 फंदा बनाना है। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। ये फर्स्ट फंदा को छोड़कर इस सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे। फिर यार्न ओवर, फिर ये फर्स्ट फंदा को उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों में से 3 फंदा हुआ। फिर से वही रिपीट करना है। सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे। फिर यार्न ओवर, फिर फर्स्ट फंदा को उल्टा बुनेंगे। फिर सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे। फिर यार्न ओवर, आप इससे फर्स्ट फंदा को उल्टा बुनेंगे। फिर से वही रिपीट करना है। फर्स्ट फंदा को छोड़कर इस सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे। फिर यार्न ओवर, फिर ये फर्स्ट फंदा को उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों में से 3 फंदा हुआ। फिर से वही रिपीट करना है। फिर से एक बार रिपीट करना है। फर्स्ट फंदा को छोड़कर इस सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे। फिर यार्न ओवर, फिर ये फर्स्ट फंदा को उल्टा उल्टा बुनेंगे, इस तरह से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तो 4 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेकेंड रो राइट साइड, सेकेंड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को, एक दो, ये 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, इस तरह से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 1 डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। आपको रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर से एक बार रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 7 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए, ये डिजाइन जस्ट 2 रोज का है। इन्हीं 2 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। मैं फिर से एक बार रो 1 रिपीट करके दिखाऊंगी। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट फंदा को छोड़कर इस सेकेंड फंदा को हम उल्टा बुनेंगे, आगे उल्टा बुनेंगे, इस तरह से। फिर यार्न ओवर, फिर फर्स्ट फंदा को उल्टा बुनेंगे। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 1 डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। 2 फंदा को 3 फंदा बनाना है। यहाँ
यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, फर्स्ट फंदा को छोड़कर इस सेकेंड फंदा को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से, फिर यार्न ओवर, फिर एक फंदा उल्टा, दो डिजाइन खत्म हुआ है। फिर इस सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर, फिर आगे की एक फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर इस सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर, फिर आगे की एक फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर इस सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर, फिर फर्स्ट फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर, फिर फर्स्ट फंदा को उल्टा बुनेंगे। फिर से एक बार रिपीट करना है, सेकेंड फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर, फिर आगे की एक फंदा को उल्टा बुनेंगे। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक सात डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा। फर्स्ट रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो राइट साइड, सेकेंड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। आपको ये रिपीट करना है, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, धागा आगे कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, धागा आगे कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, धागा आगे। फिर से एक बार रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक सात डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। सेकेंड रो भी बुन के कम्प्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट टू रोज का है, इन्हीं टू रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। अब यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो टू तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।